जिलाधिकारी सोनिका ने शीतलहर के चलते जनपद के नगर निगम और नगर निकायों में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने तथा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी रैन बसेरे के साथ ही अस्थायी रैन बसेरे चिन्हित करने और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद से नगर निगम देहरादून में शहर के ISBT निरंजनपुर मंडी रेलवे स्टेशन प्रिंस चौक टैक्सी स्टैंड पुराना दिल्ली बस अड्डा घंटाघर समेत 20 विभिन्न स्थानों पर अलाव चलाए गए हैं। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, साथ ही शहर के 4 रैन बसेरे में भी गरीब तबके के लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियाँ भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं।